समझी हुई कहावत है, सहज पके सो मीठा होए। इस कहावत का जो अर्थ निकलता है उसको बीजेपी ने महाराष्ट्र में सत्ता की लालच में अनदेखा कर दिया। जी हाँ, सत्ता का जो लालच था बीजेपी के सर पर ऐसा चढ़कर बोला कि उसकी जो खामियाजा था वो महाराष्ट्र के उनके साफ सुथरी छवि वाले नेता देवेंद्र फडणवीस को भुगतना पड़ा। वहीं अगर बात करें देवेंद्र फडणवीस को लेकर, तो सियासत का ये रंग कहें या ये कहें सियासत का जो बुखार था उसका जो खामियाजा है वो सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र फडणवीस को ही नहीं बल्कि पूरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं महाराष्ट्र के अंदर उनको भुगतना पड़ा। बीजेपी गलत घोड़े पर दाव लगाकर औंधे मुंह गिरी है। बीजेपी ने कर्नाटक की गलती से कोई सबक नहीं सीखा और गलत घोड़े पर दाव लगाकर औंधे मुंह गिर गई। वो भूल गई कि उसका मुकाबला राजनीति के धुरंधर शरद पवार से था। शरद पवार ने फडणवीस को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घेर कर ढेर किया। 80 घंटे, जी हां सिर्फ 80 घंटे में भाजपा ने महाराष्ट्र में चुनाव के बाद अर्जित की हुई सारी सद्भावना खो दी। महाराष्ट्र में जनादेश बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मिला था, लेकिन नतीजे के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के मन में भी कुर्सी के लड्डू फूटने लगे और उन्होंने फिर बीजेपी से नाता तोड़ लिया। फिर क्या, राज्यपाल और बीजेपी की आलोचना हुई है। बीते शनिवार की सुबह लोग सोकर उठे ही होंगे कि पता चला कि महाराष्ट्र में फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक गलियारों में इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। राज्यपाल और बीजेपी के इस कदम की आलोचना हुई और बीजेपी की तरफ से पूछा गया कि क्या कोई गैर संवैधानिक काम हुआ है। इससे पहले जब फडणवीस ने राज्यपाल को सूचित किया था कि शिवसेना के अलग हो जाने के बाद वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब वो हीरो और शिवसेना विलन नजर आ रही थी। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में 80 घंटे की सरकार बनाई। राजनीति में सरकार की चाह कोई बुरी बात नहीं है, पर उसमें जमीनी हकीकत के साथ कुछ मेलजोल होना चाहिए। बीजेपी से ये सवाल इसलिए क्योंकि वो राजनीति में सबसे अलग होने का दावा करती है। जिस दिन बीजेपी ऐसे दावे करना छोड़ देगी, लोग भी पूछना छोड़ देंगे, बीजेपी ने जो किया उसे गुनाह कहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यानी उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की बात और भ्रष्टाचार के आरोप में डूबे अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की बात आखिर किसके गले उतरती। इसका यही मतलब है कि बीजेपी अपने नए वोटरों के मिजाज को या तो समझ नहीं रही या उसकी परवाह नहीं कर रही। बीजेपी ने कच्चा खेल खेलकर खा लिया गच्चा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि निजी जीवन को लेकर राजनीति में समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन आखिर आप औरों से कुछ अलग करेंगे या नहीं, या जो दूसरों ने किया या जो कर रहे हैं वही आप भी करेंगे, तो फर्क क्या रह जाएगा। सवाल ये भी है कि आपने अपनी पहली गलती यानी कर्नाटक से कोई सबक सीखा क्या। जिस काम से आपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा जोड़ दी उसमें ऐसा कच्चा खेल ही क्यों। जो नेता अपनी पार्टी के विधायकों के दस्तखत का गलत इस्तेमाल कर रहा हो उस पर भरोसा क्यों। कोई प्लान भी क्यों नहीं था। ये ऐसे सवाल है जिनका जवाब पार्टी को देर सवेर देना पड़ेगा। इस पूरे मामले को देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी के पास कोई प्लान भी नहीं था। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो शिवसेना और फिर बाद में अजीत पवार पर एक तरफा भरोसा करना बीजेपी की कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सबसे बड़ी गलती थी। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी का कोई प्लान भी ना होना, वहीं 80 घंटे की सरकार से सबसे बड़ा जो ये कहें कि मास्टर स्ट्रोक खेला है तो वो शरद पवार ने खेला। जी हाँ, शरद पवार इस समय राजनीतिक गलियारों में वो चमकता चेहरा बन चुके हैं, या ये कहें कि राजनीतिक गलियारों में केवल और केवल शरद पवार के उस दिमाग की ही बात हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।